हेलो फ्रेंड्स, मीना कंवर हिमाचली स्पेशल चैनल में मैं मीना कंवर आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई रेसिपी को लेकर। आज हम पहाड़ी अंजीर की सब्ज़ी बनाएंगे। पहाड़ों में यह सब्ज़ी किस तरह से बनाई जाती है आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाहती हूँ। तो देखिए, मैंने अंजीर को तोड़ कर रख लिया है और इनके छोटे छोटे दानों को आप इस तरह से तोड़ के रख लें और इसके बाद हम इसे उबालेंगे। तो इसको उबालने के लिए मैंने इसे पतीले में डाल दिया है और हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए उबालेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से उबालना है ताकि यह अच्छे से, जब हम इसको हाथ में पकड़े तो ये मैश हो जाए, हाथ से दबाने पे अच्छे से मैश हो जाए। तो ये देखिए, हमारे अंजीर अच्छे से उबल चुके हैं और इसे बनाने के लिए अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। और हमारे अंजीर बहुत अच्छे से उबले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम इसे हाथ से दबा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे से मैश हो रहे हैं। तो हमें इतना इन्हें पकाना है कि ये इस तरह से मैश हो जाए। तो इसके लिए मैंने प्याज को पहले ही काट लिया है और जीरा और मेथी दाना हम इसमें डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक आप इसमें डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके तड़के की। तो देखिए, मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख लिया है और इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया है। और अब हम इसमें सबसे पहले मेथी दाना और जीरा डालेंगे। अंजीर की सब्ज़ी एक मौसमी सब्ज़ी होती है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी होती है। हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको रोकने में ये बहुत ही मददगार साबित होती है और हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। पुराने टाइम में, मतलब पुराने जो बुज़ुर्ग हैं, वो लोग बोलते थे कि एक दो बारी अंजीर की सब्ज़ी ज़रूर खाएँ जब इसका मौसम हो। तो इसके बाद हम इसमें प्याज डाल के इसे थोड़ी देर भूनने देंगे। अंजीर की जो सब्ज़ी होती है वो हमारे शरीर में गर्मी को जो नियंत्रित करती है, जैसे बोलते हैं कि जैसे गर्मियों में लू लग जाती है, तो अगर हमने अंजीर की सब्ज़ी खाई होगी तो हमें उसका उतना असर नहीं होता। इसमें कुछ इस तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च पाउडर आप स्वाद अनुसार डालें और एक चम्मच हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से भूनने दें। तो ये देखिए, हमारा जो तड़का है वो बिल्कुल भुन चुका है अच्छी तरह से और हमने जो अंजीर लिए थे उसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है और हमने इसमें अब इसको डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा तड़का है वो अंजीर में अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से चला लेंगे। बस हमारी सब्जी अब बिल्कुल लगभग तैयार है पक के, क्योंकि हमने इसे पहले ही उबाल दे के रखा हुआ है तो ये पहले से पके हुए हैं। और धनिया पाउडर हम इसमें बाद में डालेंगे, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। अच्छा, जब भी आप अंजीर की सब्ज़ी बनाएं तो एक इसमें मेथी डलती है, लेकिन हरी मेथी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि अब हमारी मेथी पक चुकी है खेतों में और हरी मेथी मिलना मुश्किल है, इसलिए मैंने मेथी को सुखा के रखा हुआ है और उसकी पत्तियों को अब मैं इसमें धोकर डालूंगी। अगर आप अंजीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो एक बार आप इस तरह से बना कर देखें, आपको अंजीर की सब्ज़ी में बहुत ही अलग डिफरेंट टेस्ट आएगा और यह बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। मेथी की बहुत ही अच्छी सुगंध आती है इसके अंदर, अगर आप इस तरह से मेथी इसमें डालें। तो मेथी के पत्तों को हम धो के इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास हरी मेथी है तो आप हरी मेथी भी डाल सकते हैं और हरी मेथी डालने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और हरी नहीं थी तो मैंने सुखा के रखी हुई है। अगर कसूरी मेथी है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं धोकर। और ये देखिए, हमारी सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे।
देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। और इस तरह से आप अंजीर की सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे परोसा है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएँ। थैंक यू।